सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को, इस लाल बटन को दबा के उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, मैं पंकज जवानिया। आज संडे संडे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ कमेंट लाया हूँ, और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हैं। और देखते हैं किस किस व्यूवर के, हमारे किस किस दोस्त के जो कमेंट हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन है, उनका क्या क्या जवाब हम देते हैं, और वो उन्होंने क्या क्या पूछा है। तो आपको उसमें सीखने को मिलेगा कि वो भी आपका सवाल हो सकता है उससे रिलेटेड। तो आप इसको देखें वीडियो को पूरी, और जो आपको उसमें कुछ समझ में आएगा तो आपके आगे काम आएगा। आओ देखते हैं। ये पहले व्यूवर हैं तेजस कुलकर। सर, ये क्रैंक को स्क्रैच आया है तो ये रिपेयर होगा या नया डालना पड़ेगा? सर, ये क्रैंक रिपेयर होगा, ग्राइंडर होता है, ये ग्राइंडिंग होगा, और इसके ऊपर क्या होता है, ये एल्युमिनियम की रोड होती है, और वो रोड से इस पर जब मोबिलल ख़त्म हो जाता है, मोबिलल इंजन को ठंडा रखता है, मोबिलल नहीं होगा तो इंजन ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा तो उस वजह से ये चिपक के चलती है, और मोबिलल ना होने की वजह से इस पर चिपक गया है इसका एल्युमिनियम, तो ये इस पर ग्राइंडर होकर खराब मशीन से तो ये लगती है, तो उसकी मशीन अलग ही होती है जो बिल्कुल इसे फेस करती है। मनीष सोम सोन, मेरा अल्टरनेटर में बैरिंग बहुत टाइट जा रहा है, क्या डाल दिया है तो वो जाम हो गया, क्या करूं? सर, वो आपने टाइट ही ठोक दिया, वो आपका जाम हो गया है, तो आप उसे निकालें दोबारा, पूलर से निकाल सकते हैं या हथौड़ी छेनी से निकाल सकते हैं, निकाल के उस पर एक बार मारें पहले सीट पे, और उसके बाद उसे दोबारा ठोकें। बैरिंग कभी टाइट नहीं ठोकना चाहिए, तो जल्दी चलेगा नहीं, और बैरिंग ढीला ही ठोकना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। हेमंत भास्कर, मैं काम सीखना चाहता हूँ। सर जी, आप क्या काम करते हो और कहाँ से हो, और क्या काम सीखना चाहते हो अल्टरनेटर का, मोटर का, तो उस हिसाब से आप बताएं, और अपनी सिटी में पता करें, आप वहाँ अच्छे बेहतर सीख सकते हो। 360 बंगाली मिस्त्री, बड़ो ब्रासलेस अल्टरनेटर में एक्साइटर स्टार्टर में कहाँ डीसी वोल्टेज मिलता है? सर, जो आपका एक्साइटर होता है तो आपका उसमें फील्ड जो होती है रूटर में होती है, और जब आपका वो रूटर घूमेगा तो वो आपका डीसी वोल्टेज पैदा करता है, और उसके बीच में बिजली रेक्टिफायर लगाते हैं जिससे कि वो एसी से डीसी से एसी चेंज करके और हमारा जो एक्साइटर हो उसमें दे सके, और उसमें देखे हमें ऊपर जो उसका उसकी कोर होती है अलग से उसको सप्लाई करता है एसी वोल्ट, इसलिए रूटर से हमें हमेशा एसी वोल्ट मिलता है जब हम आगे सप्लाई चेंज करते हैं, तो हमें रूटर से जब हमारे फील्ड उसमें चली गई तो हमें डीसी दे रहा है वो, और जब हमारी फील्ड उसमें नहीं होती, हमारा वाइंडिंग उसमें होती है, तो एसी देता है, तो अब जो उनसे हमारे आजकल दे रहे हैं उसमें उल्टा हो रहा है, तो वो डीसी देता है, बीच में बिजली रेक्टिफायर लगाया जाता है, उसके बाद उसका करंट चेंज करा जाता है जो हमें एसी निकाल के देता है नीचे से। दुर्गेश वार कुर्मी, पंकज भाई, मेरा 10 हॉर्स जनरेटर लोड नहीं ले रहा, उसका क्या उपाय, प्लीज़ हेल्प मी। सर, 10 किलोवाट का आपका अल्टरनेटर है, उसका काई का लोड गिर रहे हो, 3 तरह के लोड होते हैं, कैपेसिटर लोड, रेजिस्टेंस लोड और इंडक्शन लोड, तो आपका कौन सा लोड है आप ये बताएं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि किस वजह से लोड नहीं ले रहा। हिमांशु पांडे, सर प्लीज़ करें ग्रैंड की वीडियो डालें। सर, उसमें ग्रैंड तो खराब ही करता है, और उसमें ग्रैंड करने के लिए तो कुछ नहीं है, आपने देखा भी होगा, और आप उसमें क्या पूछना चाहते हैं उसमें बड़ी की बताएं, मैं फिर उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको नोटिस करके दिखाऊंगा ये चीज़ होती है नहीं होती। MD इमरान, सर मुझे 20 KVA सिंगल फेज अल्टरनेटर विद ट्रांसफार्म फुल डाटा चाहिए, मैं मोहल्लम भैया। तो सर, इसमें आपको पूरा डाटा चाहिए, आपने उसमें पहला कौन सा अल्टरनेटर उसमें आपने खोला है और उसका क्या डाटा निकला है वो बताएं, उसके बाद हम आपको डाटा बता देते हैं। आजाद मलिक, सर जी, जब आपसे तार स्पार्क आप स्पार्क करते और लीड बनाते हैं और फिर लोड नहीं बनाता, ये क्या करें? सर, ये आप पूछ रहे हो, जब हम तार छोड़ते हैं तो करंट बनाता है, तो वैसे नहीं बनाता है, तो इसकी वीडियो मैंने आपकी घेरी हुई है, और ये मैंने अपने जनरेटर पे ही देखा था, क्योंकि मेरे जनरेटर में ये शिकायत आ गई थी कि तार शॉर्ट करने पर करंट आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा या आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो क्या प्रॉब्लम थी उसमें। विजय कुमार, सर मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, मैं काम सीखना, सर वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो, सर आप काम सीखना चाहते हो और आप कहाँ से हो ये भी बताएं। वरुण तनवर, 20 KVA पर कितना KVA का लोड डाल सकते हैं सर बताएं? सर, 20 KVA का अल्टरनेटर है आपका, उस पर जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें कम से कम 75% या 80% तो पूरा वो अल्टरनेटर ही होता है, जब हम 20 KVA बता रहे हैं तो हमारा मुश्किल से होगा 16 साढ़े 16 का उसमें वो अल्टरनेटर होगा, हैं 17 मान सकते हैं हम, और इसमें आपका जो लोड डालोगे वो उससे कम ही डलता है, जैसे कि आपका 17 KVA का मान लो, 20 KVA का तो 17 KVA का मान के चलना पड़ता है हमें, 75 KVA का, सॉरी 75 मतलब 75% हम यूज़ कर सकते हैं उसका, और उसमें हम उससे कम ही लोड डालें तो हमारा उसका काफ़ी अच्छा चलता है अल्टरनेटर, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। संदीप बोर्डगे, लास्ट वाला 4 डायोड की जगह 8 डायोड आपने लिया तो आपने सीरीज में लगाए हैं, उसे पैरल में लगा सकते हैं क्या? सर, हम उसे आप पैरल में भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने सीरीज में इसलिए लगाए हैं कि सीरीज में कम लगते हैं और पैरल में ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो काम
ज़्यादा जो कहेगा रेजिस्टेंस बनाने का है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो एम्पेयर भी घट जाते हैं। सुखदेव सागर सर, 7.5 KVA जनरेटर की सुरक्षा के लिए कितने एम्पेयर की MCV लगा सकते हैं कि जैसे अंडर वायर डायोड ना उड़े और जले ना, चेन कम हो जाए? तो सर इसमें आपका जितना KV का है, जैसे कि आपका 7.5 KV का है तो उस पर हम 32 KV तक लोड हम कहते हैं कि डालते हैं, पर हम उस पर 20 KV से ऊपर लोड नहीं डालते। तो हम इस पर जो MCV लगाएंगे तो इससे कम की लगाएंगे, 20 KV के आसपास की, सॉरी 20 एम्पेयर के आसपास की इसमें MCV लगाएंगे, उससे ऊपर MCV नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जनरेटर की सेफ्टी रहेगी। ठीक है जी। देविंदर कुमार, मैंने 10 साल रिसर्च किया है, बेवकूफ़ मत बनना। सर आपने 10 साल रिसर्च किया है इसे फ्रिज बनाने के लिए कि वो नहीं बनेगी, इसमें आपको उसमें अब तक भी करना चाहिए था, जब तक जिंदगी है जब तक सर्च करना चाहिए था, क्योंकि हमें उसमें जो हम फ्री एनर्जी बनाते हैं हमें उसमें मेन रीज़न नहीं पता होता है कि उसमें काम कैसे करते हैं और वो चलता कैसे है। अब कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, आप अल्टरनेटर ले सकते हो, अल्टरनेटर में कितने KV होते हैं, किस तरीके से करंट निकालता है, वो सब बड़ी की सीखनी पड़ती है। मोटर जब आप उसे चलाओगे तो मोटर कितने KV का है, मोटर कितने एम्पीयर लेगा, लोड पे कितने लेगा, और जब अल्टरनेटर चलेगा उसकी पावर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। जो हमारी अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी है वो कुछ हो रहा है, और पावर फैक्टर है वो कुछ हो रहा है, और बिजली की पावर फैक्टर कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है, वो सब चीज़ नोट करनी पड़ती है। अब आपने कहाँ कहाँ नोटिस करी, क्या 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 नोटिस करा वो नहीं पता, पर ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि फ्री एनर्जी नहीं बन सकती। हमें नहीं ज्ञान है तो हम उसमें पैसा लगाते हैं, वो बेकार है। इसलिए हमें जब ज्ञान नहीं है तो पैसा नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी, जब ज्ञान हो तो उसी चीज़ में जब भी पैसा लगाना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, और आपकी सोच है जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे नहीं बना सकते किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कॉपी पे चलता है और हर चीज़ की कॉपी करना जानता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्रासलेस बनाया है उसको फील्ड को उसमें चेंज कर दिया है, और उसको एसी से डीसी कन्वर्ट करके उसे आगे पहुंचा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा, वो फिर भी रूटर को एसी देना है, और जो हमारे पहले जो बना रखे हैं देसी उनमें भी रूटर को एसी देना होता है। रूटर एसी कहां से लाएगा, नहीं लाएगा ना, वो फील्ड उसमें चेंज कर दिया, बस इतना थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है, और वो उसमें हमें 3 फेज से सिंगल फेज करने में चेंज करने में कोई दिक्कत ना पड़े, इसलिए वो थोड़ा सक्सेस है। तो बाकी कोई उसमें अंतर नहीं है, कॉपी सब करते हैं। ठीक है ना, तो कॉपी मत करो, अपने दिमाग से चलाओ, जब भी आप सक्सेस होगे। सदाशिव पटेल, नमस्कार सर, मैंने आपका वीडियो देखा, हमें बहुत पसंद आया है, आपके सारे वीडियो देखता हूँ, क्या 3 फेज के आर्मेचर में इसे बना सकते हैं, क्या जानकारी दे सर, बहुत धन्यवाद। सर 3 फेज के में आप वेल्डिंग मशीन बना सकते हो, पर इसमें इतनी जगह नहीं होती जो इसमें हम बनाएं, और इतनी जगह भी नहीं होती है कि हम इसमें कोयल फंसा के और 3 फेज में ही इसकी वाइंडिंग कर सके, तो ये इतना नहीं होता। तो सिंगल फेज में सबसे बढ़िया होता है, सिंगल फेज में आप बना सकते हो। सचिन पांचाल, सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मैं आपकी वीडियो पसंद करता हूँ और मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। थैंक यू सर, आप मेरे को गुरु मानते हो, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और इसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, मुझे काफ़ी खुशी होती है, आप कमेंट करते रहें। गेंदालाल मेघवाल, सर टर्न और वेट नहीं बताया सर आपने। सर मैंने इसमें सब वीडियो पूरी बताया है, और आप कमेंट देख सकते हो, जिन्होंने पूरी देखी है तो उन्होंने आगे भी कुछ पूछा है, तो आप पूरी वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। इशफाक मलिक, सर अल्टरनेटर से 12 वायर निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रल, 3 110 वोल्ट के, 3 और 1 220 वोल्ट के वायर होते हैं, और कैसे करते हैं मेटल से 110 वोल्ट 220 वोल्ट कैसे आए, क्या करें? सर इसमें आप कौन सा अल्टरनेटर ले रहे हो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका एक बार वीडियो भेजें बना के, तो हम कुछ समझेंगे फिर आपको बताएंगे। 37 रुपये का शर्मा भाई, 25 KVA जनरेटर बिना चौक और बिना AVR के सिर्फ डायोड से चल सकता है क्या? सर ये उससे डायोड से नहीं चलेगा, बिना AVR के बिना चौक के, आपको उसके लिए अल्ग वो होता है जो आगरा का होता है अल्टरनेटर, वो चलता है, उनमें उन्होंने 25 KVA तक 30 KVA तक निकाले हैं जो खाली डायोड से हैं, और आपको AVR ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा उसके लिए। नेहमा पूर्ति, भाई हमारा 8 HP मशीन सीज हो गया है, किस तरह से ठीक करें, प्लीज़ हेल्प मी। जो आपका 20 HP सॉरी 8 HP का जो हैगा वो सीज हो गया है, आपका मोबाइल से हुआ या आपका पानी की वजह से हुआ, पानी की वजह से तो पिस्टन सीज हुआ होगा, मोबाइल की वजह से सीज हुआ है तो क्रैंक सीज होगी, तो आपका पूरा खुलेगा, वो ग्राइंडर होगा, ग्राइंड होकर फिर दोबारा बंधेगा, तो वो सही हो जाएगा। अंशु शर्मा, डीजल इंजन वेल्डिंग वाला जनरेटर रूटर के कनेक्शन की वीडियो बनाएं। सर मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, वो आप देख सकते हैं, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा मैं उसका, और वीडियो में देख सकते हैं, और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। उमेश कुमार, सर 3 फेज आर्मेचर रिवाइंडिंग करके बताएं। सर जैसे मोटर वाइंडिंग होती है 3 फेज की, ऐसे रूटर वाइंडिंग होता है, अभी मेरे पास कोई रूटर आया नहीं, मैं जल्दी वाइंडिंग करके दिखा दूंगा आपको। संदीप कुमार, कोर साइज एंड वायरिंग साइज एंड आर्मेचर वायरिंग कोर साइज KVA बताएं। सर इसमें सब बताया है वीडियो में, और 6 इंच की इसकी कोर है वो आप देख सकते हैं। मनीष खान, हेलो सर, नमस्कार सर, इन कोयल में
कितना कितना वजन डाला है ये बताएं। सर मोटा वजन कितना है और बारीक कितना वजन है डाला है सर बताएं। एक कोल मी सर, इसमें मैंने सब वीडियो में सब बताया है, वो आप ध्यान से देखें वीडियो को, उसमें सब लिखा हुआ है। आप पूरी वीडियो नहीं देखे इसलिए पूछ रहे हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था, और आप लोग लाइक ज़्यादा करें, आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, तो सब लोगों पर ये जानकारी मिले और सब इससे कुछ नया सीखें। आपको वीडियो दोस्तों ये देखें, ये हमारी और वीडियो है और इसमें आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हमको लगता है कि हम ये वीडियो देख चुके हैं, पर हम वीडियो जब दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ नया सीखा है। ये आपके साथ होता है या नहीं होता है, आप एक बार कोशिश करके देखोगे तो आपको भी लगेगा हमने कुछ और नया सीखा है दोबारा देखने के बाद।